मैं डॉक्टर सुभाष सक्सेना, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, आज डायबिटीज के संबंध में जो इस रिसेंट समय में टाइम में जो चेंजेस आए हैं मैनेजमेंट में, उसके बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अभी तक डायबिटीज के मरीजों के इलाज में जो मुख्य भूमिका जिन दवाइयों जो अदा करती थी, उसके अंदर मुख्य हमारा एम हुआ करता था कि हमें डायबिटीज के अंदर शुगर को कंट्रोल करना है, हमें हीमोग्लोबिन A1C को जो कि नॉर्मल रूप से 6.5 इंडियन पॉपुलेशन के लिए फिक्स्ड है ADA की गाइडलाइंस के हिसाब से उसको रखना है। किंतु अब हमारा जो स्तर है, धीरे धीरे जैसे मेडिकल स्तर में नई नई रिसर्च आ रही है, उसमें हमारा एम यह है कि हमें डायबिटिक पेशेंट्स की लाइफ स्टाइल को नियर नॉर्मल लाना है, उनकी लॉन्गिविटी को बढ़ाना है, उनके कार्डिक स्टेटस को नॉर्मल रखना है, उनके किडनी फंक्शंस को नॉर्मल रखना है एज मच एज पॉसिबल। आप सब लोग ही जानते हैं कि डायबिटीज मरीजों को हृदयघात की समस्या, हृदय हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर्स की टेंडेंसी वो सामान्य जनता से कई गुना ज़्यादा होती है। इस प्रकार यदि हम इस चीज़ को देखें कि ये जो आने वाला जो देश है, हमारा भारत देश है, इसके अंदर हम आने वाले टाइम के अंदर डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे आर्थिक स्थिति पे आने वाले हृदय रोगी और आने वाले किडनी के रोगी एक बहुत बड़ा बोझ बनेंगे। इसको देखते हुए हम आज का विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए, कुछ एक दवाइयाँ ऐसी आनी चालू हुई हैं जिसमें जो SGLT2 इनहिबिटर्स जिसको हम यूज करते हैं और आने वाले, और इनका मुख्य एम जो है कि डायबिटीज के हृदय रोगियों को उनके हृदय के रोग को निदान को रोकने के लिए तीन तरीके से, प्राइमरी प्रिवेंशन, उनके सेकेंडरी प्रिवेंशन पे बहुत ध्यान देना, हार्ट फेलियर की टेंडेंसीज को काफ़ी कम करना है, और साथ साथ उन्हीं पेशेंटों के अंदर हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनके अंदर गुर्दा रोग संबंधी जो बीमारी, जिसको क्रॉनिक किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं, उसको अभी हमें ध्यान रखना है। तो आने वाली जो दवाइयां हैं ये प्रिवेंशन के एस्पेक्ट पे ज़्यादा निर्भर है, और इससे हमें बहुत फायदा भी मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि इससे जो भी जिसे हम मानते हैं कि डायबिटीज का संबंध एक मरीज है जिसको उसकी मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो हृदय संबंधी और गुर्दे संबंधी जो 6 से 10 साल के अंदर होना चालू हो जाती है, उनको हम कुछ हद तक एक तो डिले करेंगे और कुछ हद तक उनको रोक भी पाएंगे। ये इन जितनी नई जो तकनीक विकसित हुई है, उस तकनीकों से ये मालूम हुआ है कि उनके उनके इजेक्शन फ्रैक्शंस इंप्रूव होते हैं, बिगड़ते नहीं हैं, उनके गुर्दों से निकलने वाली प्रोटीन की मात्रा जिसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं वो काफ़ी कम हुई है, उनके होने वाली डायलिसिस की प्रक्रिया काफ़ी कम हुई है, और ये दवाएँ हैं उन लोगों में भी यूज की जा सकती है जिनका क्रिएटिनिन क्लीयरेंस 30% तक कम हो चुका है, उसमें उनका यूज किया जा सकता है। साइमल्टेनियसली हम यदि दूसरी तरीके से देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डिक, तो उसके अंदर देखते हैं कि कार्डिक मार्कर्स पे काफी असर पड़ने लगा है, पेशेंट के इजेक्शन फ्रैक्शंस पे भी काफी पड़ने लगा है, और तीसरा उनके जो लिपिड प्रोफाइल्स पे भी काफी असर पड़ने लगा है, और साथ ही साथ उन पेशेंटों के इन दोनों का जो कि हमने हृदय को भी संभाला है, हमने गुर्दा को भी संभाला है, तो साथ साथ इस तरीके से हम मरीज की जिंदगी के उसके लाइफ स्पान को बढ़ाने में भी काफी हद तक ये मदद करेगा। इस संबंध के अंदर जो भी मधुमेह रोग के मरीज हैं जिनकी शुगर नंबर 1 कंट्रोल नहीं हो पा रही है गोलियों से और जो इंसुलिन पे चल रहे हैं, दूसरा जिनको हृदय रोग हो चुका है या जिनके परिवार के अंदर हृदय रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिनको गुर्दा रोग हो चुका है या जिनके परिवार के अंदर उनके पुराने मरीजों में गुर्दा रोग की संभावना ज्यादा है और उनको भी होने की संभावना ज्यादा है, वो मरीज सोनी हॉस्पिटल के अंदर आकर के इस तरीके की समस्याओं के निदान के लिए वो हमसे और मेडिसिन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, उनको उचित समय में इसका उचित परामर्श और उचित इलाज इसका संभव हो सकेगा। धन्यवाद।